अस्सलाम वालेकुम, बी गौतम से मैं दीदार हुसैन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ आदमी है और ये लोग कटिंग कर रहे हैं। चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं आज हम कौन सा नेपियर का कटिंग कर रहे हैं। और आप लोगों को शायद मालूम होगा मैं बहुत दिन से गोट फार्मिंग कर रहा हूँ और उसके साथ साथ कुछ घास का वेराइटी मेरे पास है जो मैं ऑर्डर लेता हूँ और आपके पास भी भेजने का बंदोबस्त कर देता हूँ। चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं किस तरीके से कटिंग किया जाता है और किस तरीके से पैकेजिंग करके आपके पास भेज देते हैं। सबसे पहले आप देखिए मैं कटिंग किस तरीके से करता हूँ। ये देखिए, ये आपका है 4G बुलेट नेपियर, इसको कटिंग करके अभी रखा है। और इसको अभी क्या कर रहे हैं हम, यानी दो आंखें रख के एक एक कटिंग कर रहे हैं। यानी एक कटिंग में दो आंखें रहता है। इधर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी हमने बहुत सारा काट के रखा है, तो इधर में हम गिन गिन के रखा है। यहाँ पे 100 है, इधर पे 100 है, उधर पे 100 है, इस तरह से हम गिन गिन के रखा है। और देखिए कटिंग का क्वालिटी देखिए, अब कटिंग का क्वालिटी बहुत ही मस्त क्वालिटी है और शानदार क्वालिटी है। इस तरह का क्वालिटी अगर आपके पास पहुंचेगा तो आप लगाने से कम पकड़ लीजिए 4-5 दिन में ही इसका पत्ता निकल के आ जाता है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। और इधर में देख सकते हैं यहाँ पे काटा जा रहा है रेड नेपियर। अभी देखिए ठंडी का महीना है और ठंडी का महीने में थोड़ा रेड नेपियर का कटिंग थोड़ा चिकना चिकना होता है। और इधर में आप देख सकते हैं ये है रेड नेपियर का कटिंग, यानी आप लोग बोल सकते हैं बांग्लादेश हाफ रेड नेपियर। इधर में है और कटिंग हो रहा है। और पीछे मेरा छोटा भाई ये भी कटिंग कर रहा है और इसका हाथ में देखिए अभी इसको अभी रेड नेपियर कटिंग करने के लिए दिया है और ये रेड नेपियर कटिंग कर रहा है। अभी देखिए इसमें अभी एक बात है, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि दीदार भाई देखो इसमें तो जड़ दिख रहा है ना, अभी इसको भी पकड़ लेते हैं ना। इसमें देखिए आप जड़ दिखाई दे रहा है ना, जड़, तो ये क्या होता है जो ज़्यादा मेच्योर हो जाता है तो उसमें ये सा जड़ आ जाता है और जो थोड़ा कम मेच्योर होता है उसमें इस तरह का जड़ नहीं आता, इस तरह का नहीं आता। लेकिन बात ये नहीं है जिसमें जड़ है वही होगा, जिसमें नहीं है वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये तो ज़्यादा अच्छा रहता है जिससे जो आपका नीचे से ये जड़ निकल के आ जाता है ना उससे बेटर ये होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी निकल आता है। देखिए ऐसा है कि हम लोग आपको जितने भी कटिंग भेजते हैं एक एक कटिंग हम लोग बारीकी से देख के उसके बाद ही पैकेटिंग करते हैं। आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे मेरा छोटा भाई पैकेटिंग कर रहा है और आपको दिखाएंगे किस तरह से पैकेटिंग हो रहा है। हम जो आपको कटिंग देते हैं एक एक कटिंग हम बारीकी से देखते हैं क्योंकि देखिए आप लोग इतना दूर से हमको ऑर्डर देते हैं, हम इधर से आपको वहाँ पर भेजेंगे, जाने में कम से कम 2-3 दिन 4 दिन लग जाएगा, उसके बाद आपके पास पहुँचेगा, उसके बाद आप खेत में लगाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं सबसे बेहतरीन क्वालिटी आपको भेजने के लिए। आप लोग देख सकते हैं मेरा छोटा भाई अभी पैकेटिंग कर रहा है और अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने गिन के रखा है और अब देखिए यहाँ पे एक भी रिजेक्ट माल आपको नहीं मिलेगा, सारा का सारा माल बहुत ही खूबसूरत है, देखिए दिखने में अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई पैकेटिंग कर रहा है। इधर में कितना हो गया अभी तक, ये सब भरने के बाद 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना, तो इधर में ऑलरेडी 500 हो जाएगा और अभी ये पैकेटिंग हो रहा है। पैकेटिंग होने के बाद हम यहाँ पे नाम एड्रेस लिखेंगे और कस्टमर को भेज देंगे। तो अगर किसी को नेपियर कटिंग का ऑर्डर देना है तो आप लोग हमको ऑर्डर दे सकते हैं, हम आपको पास इतना हरा हरा नेपियर का कटिंग भेज देंगे। तो क्या कहता है लोग, ऑर्डर देगा या नहीं देगा? देगा, नहीं देगा, इतना अच्छा अच्छा माल है हम लोगों के पास, अच्छा क्वालिटी वाला। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग ऑर्डर करेंगे तो हम आपके पास भेज देंगे। तो आपका आज का वीडियो यही तक रहा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।